हेलो दोस्तों, BinaryTube प्रयागराज में मैं अतुल शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और सी लैंग्वेज में हमने पिछले तीन चार लेक्चर देखे। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। आज हम लोग देख रहे हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनपुट और आउटपुट होता क्या है, फिर इसके इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। दोस्तों, इनपुट मतलब इनपुट के लिए जो इनपुट डिवाइस यूज होती है हमारी, वो होती है कीबोर्ड। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हमारी क्या होती है, कीबोर्ड होती है। और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर होता है। कीबोर्ड और मॉनिटर, इन दो की मदद से, कीबोर्ड की मदद से जो कुछ भी डेटा हम कंप्यूटर के अंदर एंटर कराते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और मॉनिटर पर हमें जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो वही वैसे ही इंस्ट्रक्शन जिसकी मदद से हम अपने इनपुट और आउटपुट अपने सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में देखेंगे, उसका यूज़ करेंगे, उसी के बारे में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज करते हैं कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन। कैसे फंक्शन? प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो पहले से डिफाइंड है, तो पहले हम बात करते हैं आउटपुट फंक्शन की। दोस्तों, हम किसकी बात करते हैं, आउटपुट फंक्शन की। आउटपुट के लिए हम जो बेसिक में पहले जो सबसे पहले सीखेंगे वो हम सीखेंगे प्रिंटर। एक वर्ड यूज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंटर बोलते हैं। ये printf क्या है? दोस्तों, printf एक फंक्शन है। इस प्रिंट और f, प्रिंट एक वर्ड है और f एक वर्ड है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है और साथ में एक छोटा वाला कोष्ठक लगा है जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे ये हमारा पैरेंथेसिस है। इसके बाद फिर सेमीकोलन हमने लगा के रखा। जहाँ कहीं पे भी हम इसका यूज करेंगे, बिल्कुल दोस्तों ऐसे यूज करेंगे, पहले printf लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। यह है क्या, प्रिंटफ कोई कीवर्ड नहीं है। दोस्तों, प्रिंटफ क्या हमारा कोई कीवर्ड नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। प्रिंटफ हमारा कीवर्ड नहीं है। तो प्रिंटफ है क्या, प्रिंटफ एक फंक्शन है। प्रिंटफ क्या है हमारा, एक फंक्शन। फंक्शन मतलब, फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड रिटन फॉर अकॉम्प्लिश अ सर्टेन ऑपरेशन। किसी खास काम को करने के लिए किसी कोड के कुछ टुकड़े को अगर लिख दिया जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। और कैसा फंक्शन है दोस्तों, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब ये चीज़ हमारे पहले से क्या होती है, डिफाइंड होती है। पहले से हमारे कंपाइलर के लिए ये चीज़ क्या होती है, डिफाइंड होती है। इसके बारे में हमें बताना नहीं पड़ता, बस हमें इसे इसका क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। अगली अगर बात करें कि ये जो प्रिंटर फंक्शन होता है इसके बारे में लिखा कहाँ पे होता है, दोस्तों हमारी एक स्टैंडर्ड हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल जिसको हम टॉप ऑफ प्रोग्रामिंग पे लिखते हैं, प्रोग्रामिंग जब हम स्टार्ट करते हैं, जब अपना कोड बनाते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं हेडर फाइल। और हेडर फाइल होती है हमारी stdio.h, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस फाइल के अंदर इस कोड के बारे में लिखा होता है, इसका क्या काम है, कैसा काम है। तो ये इसका क्या होता है, भाग हिस्सा होता है। इसके बारे में सोच यूज करते हैं। आपके ओ लेवल के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि studio.h हेडर फाइल, आपके मस्त कॉलम में अधिकतर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, studio.h एक साइड में होगा और printf एक साइड में होगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका कौन सा रिलेशन है। दोस्तों, इसका रिलेशन है, इसका इसी से रिलेशन है, क्योंकि इसकी कोडिंग प्रिंटफ फंक्शन का जो कोड होता है, क्योंकि फंक्शन की जो डेफिनेशन हमने क्या बताई, प्रिंटफ इज अ पीस ऑफ कोड, फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड रिटन फॉर अ कॉम्प्लिश अ सर्टेन ऑपरेशन। किसी खास काम को करने के लिए कुछ खास कोड लिखा जाता है, उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। तो इस फंक्शन की जो कोडिंग होती है दोस्तों, यहाँ पे होती है, इस हेडर फाइल में होती है। जैसे ही हम अपनी हेडर फाइल studio.h लिखते हैं तो इसका पूरा का पूरा कोड इस हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाता है। इसी को दोस्तों बोलते हैं, हमने क्या कर दिया, फंक्शन का यूज कर लिया। दोस्तों, ये रहा हमारा प्रिंटर फंक्शन, इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि अपनी प्रोग्रामिंग में इस फंक्शन का हम यूज कैसे करेंगे। दोस्तों, ध्यान देते हैं,
कि प्रिंट अप का जो यूज होगा हम अपने प्रोग्राम में तीन तरीके से करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीन तरीके से अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, जबकि इन तीनों तरीकों का जो मोटिव होगा वही सेम होगा, एक होगा। ऐसा नहीं कि प्रिंट अप का यूज हम तीन तरीके से करते हैं, तीन तरीके से कर सकते हैं, तीनों का मतलब पर्पज सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। समझने के लिहाज से हम इसको क्लासिफाइड करते हैं, पहला फॉर प्रिंट मैसेज, सेकेंड फॉर प्रिंट वैल्यू, और थर्ड जो होगा फॉर मैसेज, फॉर मैसेज विथ वैल्यू। दोस्तों कहने का मतलब ये कि हमने तीन तरीके से इसको क्या किया, देखा। अब हम अपनी बात को आगे अगर लेके चले तो फिर हम आगे देखते हैं सबसे पहले पॉइंट को, फॉर प्रिंट मैसेज। फॉर प्रिंट मैसेज में दोस्तों हम करेंगे क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो सिंटेक्स यूज होगा ऐसे होगा, ये प्रिंट अप फंक्शन है, पहले से डिफाइंड है, हमें पता है कि इसको हमेशा हम किस में लिखेंगे, लोअर केस में, हमेशा ये लोअर केस में लिखा जाएगा। लोअर केस का मतलब छोटे अक्षरों में, क्योंकि सी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है, अगर आप कैपिटल में लिख देते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके बाद पैरेंथेसिस को हम ऑन करते हैं, पैरेंथेसिस ऑन करने के बाद हम डबल कोट लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, डबल कोट लगाते हैं, और डबल कोट में हमारा जो कुछ भी मैसेज होगा ये इसका क्या होगा दोस्तों, सिंटेक्स है। इस बात का आप अच्छे से ख्याल रखिए, यह सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब यह होता है कि जैसे आपने इंग्लिश पढ़ा होगा तो इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, तो हम इस फॉर्म में उसको समझते हैं कि हमें कैसे इसको लिखना है, बिल्कुल हम उसको वैसे ही समझते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर कोई अपना मैसेज लिख देंगे, ये मैसेज आपका कुछ भी होना चाहिए, जो आपकी मर्जी हो आप लिख दीजिए। यहाँ पर अपना नाम आप लिख सकते हैं, अपना एड्रेस लिख सकते हैं, कोई मैसेज लिख सकते हैं, मतलब इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो एज सेम एज प्रिंट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, सेम एज आपकी स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों इस बात को ध्यान रखो, यहाँ पे जो इस डबल कोड के अंदर लिखा जाएगा, जो कुछ भी लिखा जाएगा वो रेड कलर में हो जाता है, टर्बो सी प्लस प्लस आई डी के अकॉर्डिंग किस कलर में हो जाता है दोस्तों, रेड कलर में हो जाता है। आप इसको अपर केस में लिखेंगे तो अपर केस में लिखा रहेगा, लोअर केस में लिखेंगे तो लोअर केस में लिखा रहेगा, आप इसको किसी भी केस में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर सी लैंग्वेज आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं क्रिएट करता है कि आप इसको इसी फॉर्म में लिखिए। एक दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे हमने लिखा प्रिंट ऑफ हेलो, प्रिंट ऑफ हेलो। दोस्तों इससे क्या होगा, ये लाइन हमारे पूरे प्रोग्राम में जहाँ कहीं पे भी लिखी होगी उसी जगह पे हमारे यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हेलो, जैसे आप लिखेंगे वैसे इसका आउटपुट आएगा। डबल कोट के अंदर लिखना है, लास्ट में सेमी कोलन जरूर लगाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आपसे जब प्रोग्राम में एरर फाइंड द एरर जैसा क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तब आपको वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे ये तो नहीं लगा है, ये तो इसको तो नहीं मिस किया गया है, सेमी कोलन को तो मिस नहीं किया गया है, इसको कैपिटल इस्तेमाल तो नहीं लिखा गया, इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों आप और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा प्रिंट ऑफ, आपने लिख दिया हेलो माय नेम इज खान, आपने क्या लिख दिया माय नेम इज खान, आप यहाँ पर जो मैसेज लिखेंगे वो मैसेज क्या हो जाएगा, सेम एज प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि आपको बस इसको ऐसे ही यूज करना है, ऐसे प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल सेम एज ये प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों अपने एक प्रोग्राम में कई ढेर सारे प्रिंट अप लिख सकते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आपकी जितना मन हो, जितनी आपके प्रोग्राम की नीड हो आप उतने मैसेज लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपको तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर लिखना है या फिर कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स लिमिट में होने चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि आप अपने मन से अपनी मर्जी से जितना लंबा जितना छोटा कुछ नहीं प्रिंट कराना चाहते तो आप केवल अपना स्पेस प्रिंट करा सकते हैं। कहने का मतलब
आप ऐसे भी प्रिंट कराएंगे तो ये एक स्पेस को प्रिंट करेगा दोस्तों, मतलब ऐसे। अब ये क्या करेगा, एक स्पेस को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इस बात को अच्छे से समझते चलिए। तो ये हो गया, आप अपने प्रोग्राम में जिस ऑर्डर पे, जैसे मान लेते हैं आपने किसी अपने एक प्रोग्राम में इस चारों को आपने लिख दिया, तो जो पहले आएगा उसको पहले प्रिंट होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में प्रिंट होगा। मतलब जिस ऑर्डर पे लिखेंगे आप, जिस ऑर्डर पे आप अपने इंस्ट्रक्शन को, जिस भी कोड को, या केवल प्रिंटर के साथ ही नहीं हो रहा है, अपने पूरे सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में अपने जिस इंस्ट्रक्शन को या फिर जिस लाइन को जिस ऑर्डर पे लिखोगे, जिस किसी भी ऑर्डर पे आप लिखोगे उसी ऑर्डर पे वो एग्जीक्यूट होगा। इसी वजह से सी लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज। क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रोसीजरल लैंग्वेज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज को प्रोसीजरल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, या फिर सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, तो सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, इसमें प्रोसीजर पे काम होता है। कैसे रन होती है, टॉप टू बॉटम रन होती है। टॉप टू बॉटम होने के बाद जिस ऑर्डर पे इसके इंस्ट्रक्शन या फिर स्टेटमेंट लिखे जाते हैं उसी ऑर्डर पे इसके इंस्ट्रक्शन या फिर स्टेटमेंट प्रिंट होते हैं या फिर एग्जीक्यूट होते हैं। दोस्तों ये रही बात हमारी छोटी सी, जो कि हमने देखा कि फार प्रिंट मैसेज के लिए हम इसका कैसे यूज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो उसको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बात को समझते हैं। वो छोटी सी बात है क्या, उस छोटी सी बात को हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, या फिर इसको किस नाम से जाना जाता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग दोस्तों ये होता है क्या, परसेंट सिंबल के साथ स्टार्ट होने वाले, परसेंट सिंबल के साथ स्टार्ट होने वाले कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाते हैं। ये किसी फॉर्मेट का स्पेसिफिकेशन करते हैं, जैसे मान लेते हैं इंटीजर। इंटीजर के लिए हम किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं दोस्तों, परसेंट साइन डी। फ्लोट के या रियल के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, फ्लोट या रियल के लिए हम यूज करेंगे परसेंट साइन एफ। करेक्टर के लिए हम यूज करेंगे परसेंट साइन सी। लॉन्ग इंटीजर के लिए हम यूज करेंगे परसेंट साइन एल डी। स्ट्रिंग के लिए हम यूज करेंगे परसेंट साइन यस। अनसाइंड के लिए हम यूज करेंगे परसेंट साइन। दोस्तों फॉर्मेट स्पेसिफायर और कुछ और ढेर सारे होते हैं, तो पहली चीज तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। एवरी वर्ड, एवरी कैरेक्टर जो कि परसेंट सिंबल के साथ में स्टार्ट होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाता है, इस बात को आपको समझना है। दूसरी चीज कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंट साइन डी इज यूज फॉर हर इंटीजर, परसेंट साइन या फिर यूज फॉर हर फ्लोट, परसेंट साइन से यूज फॉर हर कैरेक्टर, परसेंट साइन एल डी लॉन्ग इंटीजर, परसेंट साइन या स्ट्रिंग, अनसाइंड के लिए परसेंट साइन। अब दोस्तों इस बात को आप समझ लीजिए या फिर एज एक याद कर लीजिए। अब इसका यूज कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके यूज के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन बट आप इस बात को, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग या फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। मैं अगर कहीं पे इसकी बात करूंगा तो आपको ये समझना होगा कि परसेंट साइन या परसेंट साइन डी की मैं बात कर रहा हूँ, ये बात आप अच्छे से समझते चलिए। अब आइए देखते हैं कि फार प्रिंट वैल्यू, फार प्रिंट वैल्यू दोस्तों देखो, कोई वैल्यू हमने क्या देखा कि जो वेरिएबल होता है वो वैल्यू को कंटेन करता है। अपने प्रोग्रामिंग में जिस भी वैल्यू का यूज करने वाले होते हैं, जिस भी डेटा का हमें यूज करना होता है, हमें उसे किसी न किसी वेरिएबल में रखना पड़ता है। किसी न किसी वेरिएबल में उसको हमें क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू को हम रखते हैं उस वैल्यू को प्रिंट कराने, प्रिंट भी कराने की जरूरत पड़ सकती है, अगर हम कराते भी हैं तो उसके लिए हम क्या कैसे कैसे प्रिंटअप का यूज करते हैं वो हमें ध्यान में देने वाली बात है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंटअप। हम अपना प्रिंटअप लिखेंगे, प्रिंटअप के बाद इसका जो सिंटेक्स होगा दोस्तों ऐसे होगा, सिंटेक्स प्रिंटअप लिखेंगे
प्रिंटअप के बाद डबल कोट लगाएंगे, डबल कोट लगाने के बाद हम लोग लिखेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग एक भी हो सकते हैं और कई ढेर सारे भी हो सकते हैं, एक ही प्रिंटअप में आप यूज कर सकते हो। और इसके साथ डबल कोट को हमें यहीं पे बंद कर देना, डबल कोट को हमें यहीं पे बंद करके फिर इसके बाद हमें कामा लगाना है। तो कामा लगाने के बाद फिर हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल नेम्स। क्या लिखते हैं दोस्तों, वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेम्स हम लिख के अपने पैरेंथेसिस को बंद कर देते हैं और डबल कोट का सेमी कोलन का यूज कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने क्या लिखा, जब हमें कोई वैल्यू को प्रिंट कराना होगा तो उसके लिए ये सिंटेक्स हमारा क्या होगा, फॉलो होगा। हम प्रिंटअप लिखेंगे, प्रिंटअप के बाद पैरेंथेसिस को ऑन करेंगे, फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ पे यस लगाने का मतलब ये है, एक भी हो सकते हैं और कई ढेर सारे भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर वेरिएबल है, जिस भी वेरिएबल के अंदर हमें वैल्यू को रखना है। मान लो दोस्तों इसका एग्जांपल हम एक देखते हैं, ये समझते हैं कि हमारे पास कोई एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है ए, जिसके अंदर 5 रखा हुआ है। दूसरा हमारे पास एक और इंटीजर है जिसका नाम है बी, जिसके अंदर हमने वैल्यू रखी हुई है 7। हमारे पास एक फ्लोट टाइप का डेटा है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जिसका हमने नाम दिया है यफ। तो इसके अंदर यफ नहीं, इसको हम यम रखते हैं, और यम के इसके साथ हम वैल्यू रखते हैं, इसके अंदर वैल्यू रखते हैं 3.14। और एक करेक्टर टाइप का हमने डेटा रख लिया, हमने करेक्टर टाइप का भी वेरिएबल लिया, उसका नाम हमने रख दिया यक्स, और यक्स के अंदर हमने वैल्यू रखा के। दोस्तों वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम लोगों ने इसको देख लिया डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में कि हमारा डेटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल नेम हो गया, ये हो गया। अब मान लेते हैं कि हमें इन डेटा को प्रिंट कराना है तो हमें कैसे यूज करेंगे प्रिंटअप का। तो पहले देखो दोस्तों इसको हम अलग अलग भी लिखते हैं, मान लेते हैं हमने लिखा प्रिंटअप। अब देखो ये हमारा, मान लेते हैं हमें ए को प्रिंट कराना है। ए हमारा कैसा डेटा है, इंटीजर डेटा है। इंटीजर के लिए हम किसका यूज करते हैं, पर्सन साइन डी का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट स्ट्रिंग लगाएंगे, पर्सन साइन डी का यूज करेंगे। हमने लिख दिया पर्सन साइन डी, डबल कोट को हमें बंद कर देना है, हमने डबल कोट को बंद कर दिया, कामा लगा दिया। वेरिएबल नेम लिखना है, मतलब जिस भी वेरिएबल का हमें वैल्यू प्रिंट, हमें एक ही वैल्यू को प्रिंट कराना था तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, ए लिख देंगे। अब जैसे ही ये लाइन लिख जाएगी तो इस पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको, कैसे हुआ है इसका यूज, प्रिंट ऑफ पर्सन साइन डी ए और इसका आउटपुट आ जाता है 5। अब दोस्तों दूसरा यूज देखते हैं, मान लेते हैं हमने लिखा प्रिंट ऑफ, हमने लिखा पर्सन साइन डी और हमने एक और पर्सन साइन डी लिख दिया, और फिर हमने यहाँ पे ए कामा बी। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे हमने ए और बी, देखो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया तो यहाँ पे एरर आएगा, हमने यहाँ पे बी लिखा क्योंकि जिस जो वेरिएबल का नेम होगा वही हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पर्सन साइन डी ए कामा बी। अब इसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, 5, 7। हमने यहाँ पे 2 यूज किया है तो 2 आएगा पर ए और बी, 5 और 7। तो हमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आप एक अपने प्रोग्राम में डिसिमिलर टाइप के भी यूज कर सकते हो, कहने का मतलब ये कि आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रिंट ऑफ पर्सन साइन डी, पर्सन साइन सी, पर्सन साइन एफ, और आपने इसके बाद पे लिख दिया ए कामा से सेपरेट। अगर हम कई ढेर सारे यूज कर रहे हैं तो हमें कामा से सेपरेट करना होगा ए, फिर हमने लिख दिया यम, फिर हमने लिख दिया यक्स। देखो दोस्तों यहाँ पे कोई वही है, कोई आर्डर फॉलो नहीं करता है कि आप पहले इंटीजर लिखिए फिर करेक्टर लिखिए फिर फ्लोट के लिए, आपकी अपनी मर्जी, आप इसको जिस भी आर्डर पे लिखेंगे उसी आर्डर पे इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। आपको बस इस बात को समझना है कि हमें इसका यूज कैसे करना है। आपने देखा कि पर्सन साइन डी, पर्सन साइन सी, पर्सन साइन एफ, आप यहाँ पे पर्सन साइन एफ को पहले भी लिख सकते थे, पर्सन साइन सी को भी पहले लिख सकते थे, पर्सन साइन डी को सभी सबसे लास्ट में कर सकते थे। तो ये किसी आर्डर को फॉलो नहीं करता है, आपको बस इस सिंटेक्स को फॉलो करना है, इस सिंटेक्स का यूज हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कई ढेर सारे भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही बात जिसमें हमने देखा फार प्रिंट वैल्यू।
अब हम आगे देखते हैं फार मैसेज विथ वैल्यू। दोस्तों आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो हमने देखा फार मैसेज फार प्रिंट मैसेज फार प्रिंट वैल्यू और थर्ड जो है हमारा फार मैसेज विथ वैल्यू। इसमें हम क्या देखेंगे इसको इस पर इसको पढ़ने से पहले हम एक बात को समझते हैं वो होता है इसके सीक्वेंस। दो टॉपिक दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इसको हमें अच्छे समझना है इसके सीक्वेंस और सेकंड जो होगा वो होगा फील्ड विथ WIDTH है दोस्तों विथ मतलब जो चौड़ाई वाला होता है विथ स्पेसिफायर। इस दो बातों को हम समझ लेते हैं पहले समझते हैं कि स्केप सीक्वेंस क्या होता है। तो देखो दोस्तों जैसे हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग हमने देखा कि प्रथम साइन डी सिंबल के साथ स्टार्ट होता है वैसे स्केप सीक्वेंस जो होते हैं हमारे हमेशा बैक स्लैश के साथ में स्टार्ट होंगे। बैक स्लैश एन इसको बोला जाता है न्यू लाइन कैरेक्टर। देखो दोस्तों इससे क्या होता है हम अपने प्रिंटफ में जहाँ कहीं पे भी इसका यूज कर लेते हैं डबल कोट के अंदर वहाँ से ऑटोमेटिक ये न्यू लाइन क्रिएट कर देता है आउटपुट स्क्रीन पे। समझते हैं इस बात को और ज़्यादा समझते हैं। जैसे हमने लिखा प्रिंटफ इसमें हमने लिखा हेलो बैक स्लैश एन का हमने यूज कर दिया हमने लिख दिया हेलो स्टूडेंट हमने इसको बंद कर दिया। देखो यहाँ पे हमने हेलो लिखा बैक स्लैश एन लिखा स्टूडेंट लिखा तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा उसके बाद ऑटोमेटिक नई लाइन पे दूसरे इसके आगे का स्टेटमेंट प्रिंट होगा मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो ऐसे आएगा हेलो स्टूडेंट मतलब ऑटोमेटिक ये न्यू लाइन पे होगा। आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए मतलब आउटपुट स्क्रीन पे जो कुछ भी हमारे मैसेज आ रहा है जो कुछ भी हमारा रिजल्ट आ रहा है उसमें फॉर्मेटिंग के लिए हम इन स्केप सीक्वेंस एंड फील्ड विथ स्पेसिफायर का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बैक स्लैश क्या करता है कि इसको न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं ये हमारे आउटपुट को न्यू लाइन में ट्रांसफर कर देता है। अगर मान लेते हैं इसको हम यहाँ पे ना लगाते तो इसी के साथ में आ जाता हेलो स्टूडेंट। अब समझते हैं जैसे मान लेते हैं इसका दूसरा जो हमें नंबर के साथ में करना है दोस्तों हमने लिखा प्रिंट ऑफ पर्सन साइन डी ए कामा बी। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक डेटा है ए जिसके अंदर हमने रखा है 5 इंटीजर टाइप का है और कोई दूसरा है बी इसको हमने क्या रख दिया 7। अब देखो दोस्तों जब इस डेटा को प्रिंट करने के लिए हमने ये लाइन लिखा यहाँ पे तब इसका जो आउटपुट आएगा ऐसे आएगा जिसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो बना रहा है उसको तो चलो क्लियर होगा लेकिन जो इसको देख रहा है कोई थर्ड पार्टी अगर इसको देख रही है उसको 5 और 7 ना पढ़ के वो 57 भी पढ़ सकता है 57 ये पढ़ सकता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं इस स्केप सीक्वेंस या फिर फील्ड विथ स्पेसिफायर का यूज करते हैं जिससे कि हमें क्लियर होता है कि 5 और 7 ना हो के क्या है 5.7। अगर यहाँ पे हम बैक स्लैश एन यूज कर देते और फिर पर्सन साइन डी यूज करते यहाँ पे तब ये कैसा होता 5 और 7 ऐसे आ जाता दोस्तों। आई होप बात क्लियर हो रही है। तो इस वजह से इन सब का हम यूज करते हैं एग्जाम में भी इससे रिलेटेड टॉपिक पूछे जाते हैं और स्केप सीक्वेंस हमारे कई ढेर सारे होते हैं बैक स्लैश ए बैक स्लैश टी दोस्तों कई ढेर सारे होते हैं। आप इसको अपने प्रोग्रामिंग में यूज करिएगा जब आपको प्रोग्राम सिखाए जाएंगे तो आप वहाँ पर उसको प्रोग्राम बनाइएगा तो वहाँ पर यूज़ करिएगा और देखिएगा सबका अलग अलग यूज क्या होता है। तो ये रही बात हमारी स्केप सीक्वेंस की। स्केप सीक्वेंस बहुत ढेर सारे होते हैं जैसे बैक स्लैश आर भी होता है तो आप इसको देखते जाइए जैसे जैसे यूज होता जाएगा मैं इनके बारे में बताता जाऊँगा। ये रही बात दोस्तों स्केप सीक्वेंस की और आगे हम देख रहे हैं फील्ड विथ स्पेसिफायर। दोस्तों जब फील्ड विथ स्पेसिफायर की बात करते हैं ये और कुछ नहीं है
जैसे मान लेते हैं कि हमने लिखा कोई अलजेब्रा, हमने पढ़ा होगा मैथ में अलजेब्रा, अलजेब्रा में जब हम लिखते हैं ए प्लस ए, इसको हम ऐड करके कितना बोलते हैं दोस्तों, टू ए, मतलब एक वन ए यहाँ पे, वन ए यहाँ पे, दोनों जुड़ गए तो कितना आ गया, टू ए। वैसे ही जब देखो, जब हम पर्सन साइन डी और पर्सन साइन डी लिखते हैं किसी प्रिंटफ में, मान लेते हैं हमारा कोई प्रिंटफ, और हमने यहाँ पे ए की वैल्यू रखी है 5 और बी की वैल्यू हमने रखी है 6 और ये इंटीजर टाइप का हमारा डेटा है। जब इसका आउटपुट आता है तो ऐसे आएगा 5 और 7। देखो जब एक डी है और यहाँ पे भी पर्सन साइन डी एक ही डी है, दोनों को जब हमने A11D लिखा तो स्पेस कितने का आया, 0 का आया। जब 11D है तो 1 पे स्पेस कितने का है दोनों के बीच में, 0 का है। अगर मैं लिखूं पर्सन साइन 2D, पर्सन साइन 2D, तो जब 1 पे 0 तो 2 पे 1, जब 1 पे 0 तो 2 पे कितना हो जाएगा, 1 का स्पेस आ जाएगा। 3 पे कितने का आ जाएगा, 2 का आ जाएगा, मतलब N-1। हम D के पहले, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे पर्सन साइन D हमारा लिखा हुआ है, हमने लिखा यहाँ पे पर्सन साइन 2D, तो ये D जिस वैल्यू को प्रिंट करेगा, मतलब ये जो हमारा A है जिस वैल्यू को प्रिंट करेगा उसके पहले 2 है तो 1 का स्पेस क्रिएट हो जाएगा, इसके बाद नहीं क्रिएट करता, इसके पहले क्रिएट करता है, जिस D के पहले क्रिएट करता है। मोस्टली स्टूडेंट को कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होती है कि सोचते हैं कि ए के नंबर के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसको इसी वजह से बोला गया प्रिंट विथ स्पेसिफायर। 2D का मतलब ये एक, जब डी की वैल्यू प्रिंट होने से पहले 1 का स्पेस क्रिएट करेगा, यही होता है फील्ड विथ स्पेसिफायर। दोस्तों फील्ड विथ स्पेसिफायर का यूज हम कर सकते हैं 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पर्सन साइन डी और फिर मैं लिख रहा हूँ पर्सन साइन 2D। अब जो यहाँ पे हमारा नंबर ये प्रिंट होगा वो ऐसे होगा 5, 7, इन दोनों के बीच में 1 का स्पेस आ जाता है। तो जैसे कि हमने देखा दोस्तों, ये भी आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, इसको फील्ड विथ स्पेसिफायर बोलते हैं। फील्ड विथ स्पेसिफायर का यूज हम अपनी आउटपुट को फॉर्मेटिंग करने के लिए, आउटपुट को और अच्छा दिखाने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दोस्तों ये रही बात हमारी फील्ड विथ स्पेसिफायर और स्केप सीक्वेंस की। अब हम अपने थर्ड टाइप को देखते हैं जो हमारा था फार मैसेज विथ वैल्यू। फार मैसेज विथ वैल्यू दोस्तों कुछ नहीं है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या है, फार प्रिंट विथ वैल्यू है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों मैं एक प्रिंटअप लिख रहा हूँ, हमने लिखा प्रिंटअप और मैं लिख रहा हूँ हमारे पास कोई इंटीजर डेटा है ए और हमने इसके वैल्यू रखी है 5, हमारे पास कोई है बी और बी की वैल्यू हमने रखा है 6, बी की वैल्यू मान लेते हैं हमने रखा है 7। अब देखो दोस्तों हमने प्रिंटअप लिखा, प्रिंटअप हमने लिख दिया वैल्यू ऑफ पर्सन साइन डी, वैल्यू ऑफ ए इज ए इक्वल टू पर्सन साइन डी एंड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू पर्सन साइन डी। हमने अपने इसको बंद कर दिया और फिर हमने यहाँ पे अपने वेरिएबल नेम को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ हमने प्रिंटअप लिखा, यहाँ पे हमने मैसेज भी लिखा है और हमने वैल्यू का भी यूज किया है, इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, फार वैल्यू विथ मैसेज। हम अपने मैसेज के साथ अपनी वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। इसका जो दोस्तों आउटपुट होगा वो ऐसे होगा वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5 एंड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 7। ये हमारा मैसेज होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, मैसेज होगा। इस तरीके से हम अपने काम को कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारा कैसे मैसेज विथ वैल्यू के साथ काम करता है।
इस पर कोई जरूरी नहीं है। ओके, मैसेज को जिस हिसाब से आपको लगता है कि सेट कर सकते हैं उस हिसाब से आप सेट करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपको लगता है कि वैल्यू ऑफ ए, एक आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं कि वैल्यू ऑफ ए इज पर्सन साइन डी एंड वैल्यू ऑफ बी इज पर्सन साइन डी, आप इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाइए। आप जो जैसे लिखेंगे, जो मैंने क्या बताया, आप इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे और जैसे लिखेंगे वो तो सेम एज प्रिंट होगा, बस फॉर्मेट स्ट्रिंग की जगह पे उसका दिया हुआ वैल्यू प्रिंट हो जाता है। ये तो हो गए दोस्तों नॉर्मल सी बात। अब हम कुछ स्पेशल बात करते हैं इस पर। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बी कामा ए कर दूं तब क्या होगा, अगर मैं बी कामा ए कर दूं तो क्या होगा, तब दोस्तों पहले एक ही जब पहला जो पर्सन साइन डी यूज होगा इसके लिए हमारा बी यूज होगा और इसके लिए हमारा ए यूज होगा। मतलब यहाँ पे जिस आर्डर पे आप वेरिएबल को लिखेंगे ये उस यहाँ पे साइड में उसी आर्डर को फॉलो करता जाएगा। ये पर्सन साइन डी तब बी को शो करेगा और ये वाला पर्सन साइन डी तब ए को शो करेगा। मतलब तो इस बात का हमें ध्यान में रखना है कि हमें वेरिएबल को किस टॉपिक पे लिखना है। और दोस्तों हम अपने प्रिंटर का यूज किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को भी प्रिंट कराने के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने लिखा है प्रिंट ऑफ, हमने क्या लिखा है प्रिंट ऑफ, हम लिख दें एडिशन ऑफ पर्सन साइन डी एंड पर्सन साइन डी इज पर्सन साइन डी। यहां पे मैं लिख देता हूं ए कामा बी कामा ए प्लस बी। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हुई होगी आपको। एडिशन ऑफ पर्सन साइन डी, ये पर्सन साइन डी किसको शो कर रहा है, ए को शो कर रहा है, एंड पर्सन साइन डी ये किसको शो कर रहा है, बी को शो कर रहा है, और जो थर्ड वाला है ये एक पूरे एक्सप्रेशन को शो करता है। ये हमारा क्या है एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। तो इसका जो आउटपुट होगा ऐसे होगा एडिशन ऑफ पर्सन साइन एडिशन ऑफ फाइव एंड सेवन इज। दोस्तों ये हमारा फायदा हुआ फॉर मैसेज विथ वैल्यू। हम अपने एक्सप्रेशन का भी रिजल्ट क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। पहले होगा क्या, ए प्लस बी जुड़ेगा, ए प्लस बी जुड़ेगा और उसकी जो एक वैल्यू होगी वो पर्सन साइन डी की जगह पे आ जाएगी। तो हमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों ये रही हमारी बात जिसमें हमने क्या देखा कि प्रिंटर फंक्शन का यूज हमें कैसे करना है, क्या करना है। हमने तीन तरीके से इसका यूज किया और उसके हमने दो स्केप सीक्वेंस एंड फिल्ड विथ स्पेसिफायर हमने इसके साथ क्लियर किया। हमने देखा कि ये एक एक्सप्रेशन की भी वैल्यू प्रिंट कर सकता है, अपने साथ साथ में किसी एक्सप्रेशन की भी वैल्यू। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोग्रामिंग में इसका यूज करिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना।